तो ये तो जनता को भी पता है, आम जन को पता है, और आप उसके बाद जिस तरह से बौखलाहट और जवाबदेही भाजपा की देख रहे हैं, उससे तो ये लग रहा है कि उस भाषण से ज्यादा खलबली भाजपा के अंदर शुरू हो चुकी है कि ईडी के अंदर जो 25 लोग बड़े भ्रष्टाचारी थे, उन्होंने जैसे ही भाजपा ज्वाइन करी और उनमें से 21 और 23 लोगों को क्लीन चिट दे दी गई है। तो ये सारी चीजें अब भाजपा के अंदर से निकल रही है, उसके अंदर से फूट रही है। पिछले 3-4 दिन से मोदी जी के भाषण देख लीजिए, उनके रैलियां देख लीजिए, किस तरह से निरस्ता आ गई, उदासीनता आ गई उनमें। केजरीवाल जी ना तो किसी को देते हैं ना किसी से लेते हैं। मुझे 2 बार टिकट मिला, मुझे जनता ने जैसा फल दिया मैंने स्वीकार किया। इस बार पार्टी नहीं लड़ रही थी, पार्टी केवल 23 स्थानों पर लड़ रही है, तो वो मैंने स्वीकार किया। और अभी आपने देखा बीच में कितनी तेजी से राजनीतिक परिदृश्य बदल रहा है और जनता सबक सिखाने को तैयार है। तो जनता जनार्दन है, जनता बहुत कुछ बदलेगी। इसी जनता में से संगठन खड़ा होगा, इसी जनता में से कैडर खड़ा होगा। मीडिया के आंकड़े हैं, कोई 60 तक ले जा रहा है, कोई कह रहा 44 और 40 पे सिमट जाएगा, कोई 50 पे है। देखिए 4 जून ज्यादा दूर नहीं, और अगले 4 चरण हैं, और चारों चरण अगले ऐसी जगहों पर हैं जहां भाजपा को स्टैंड करना बहुत भारी पड़ रहा है। कि अब की बार विपक्ष नहीं लड़ रहा, अब की बार तो जनता लड़ रही है, और जो उदासीनता है वो सबसे ज्यादा भाजपा के अंदर है। राम मंदिर के नाम पे इन्होंने ये सोचा था कि बहुत बड़ा एक कारनामा यहां होने जा रहा है, धर्म के नाम की अफीम जो है वो चलेगी। लेकिन राम मंदिर बनने के बाद मैं आपको आज की सच्चाई बता दूं, जो जहाज के किराए 8,000 और 10,000 थे, उन फ्लाइटों ने अब 4,000 और 5,000 में यात्री ढोने शुरू कर दिया। जुआरी भी सबसे आखिरी दांव मंगल सूत्र पे खेलता है, उससे पहले सब चीजों को बाट लगा देता है, लेकिन मंगल सूत्र आखिरी दांव होता है। सुप्रीम कोर्ट अडामेंट था, सुप्रीम कोर्ट ने पहले दिन कह दिया था कि 5 साल में चुनाव आते हैं, इसलिए मैं इनको अंतरिम बेल दूंगा। वो 2 दिन 4 दिन कभी चार्जशीट के नाम पे, कभी किसी नाम पे टाली जाती रही। जनता जिसे चुनेगी चुनेगी, ये 4 जून की कोख में रखा है। पूरे चांस है कि इंडिया गठबंधन की सरकार आने जा रही है। दिल्ली शराब घोटाले में सीएम अरविंद केजरीवाल को 2 जून तक की बेल मिली है, तो बाहर आकर उन्होंने जिस तरह से भाजपा सरकार पे खुला हमला किया है, यहाँ तक कहा है कि जय भाजपा अपने ही नेताओं की राजनीति खत्म करने का कार्य कर रहे हैं, तो अगला नंबर योगी बाबा का होगा। तमाम बातें उन्होंने कही हैं, तमाम मुद्दों उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही हैं कि जिसको लेकर जाए एक तरह का पूरा राजनीतिक भूचाल आने का कार्य हुआ। तो हालांकि जय लोकसभा चुनाव अपने चरम पर है, लगातार चरण आगे बढ़ रहे हैं। 3 चरणों का चुनाव हो गया, अभी बाकी चरण बाकी हैं, कुछ चरण अभी बाकी हैं। बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, हमारे साथ में है आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता योगेश दहिया जी, साथ में जीडी न्यूज के साथ में बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, उनके इन बयानों को कैसे देखते हैं, अब बेल मिली है उसको कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। जी योगेश दहिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। अभी शराब घोटाले प्रकरण में 2 जून तक की जाए अरविंद केजरीवाल जी को बेल मिली है, लेकिन बेल मिलने के बाद में जिस तरीके उन्होंने आक्रमण हमला भाजपा पे किया है, तमाम लोगों को उन्होंने कहा कि राजनीति खत्म करने का कार्य किया जा रहा है भाजपा के द्वारा, अगला नंबर योगी बाबा का, क्या कहना चाहेंगे उनके बयानों को लेकर? क्या अरविंद केजरीवाल को तो ऐसा नहीं माना जाता, कभी उनको इस तरह के बयान नहीं आए, तो पहली बार इस तरह के बयान आए, क्या कहेंगे आप? नहीं देखिए, अरविंद केजरीवाल जी एक पढ़े लिखे IITian इंजीनियर और IRS मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के पुरोधा हैं। उन्होंने बहुत अच्छे से प्रशासन को भी देखा है, वित्तीय लेन देन भी देखे हैं, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इंजीनियरिंग भी पढ़ी है, और उन्होंने अपने अभिभाषण में पूरी तरह से तर्क दिया है कि जिस तरह से भाजपा आजकल चल रही है और एक के बाद उन्होंने एक अपने विकेट आउट किए हैं, वो सारी चीजें रखते हुए उन्होंने केवल जनता से ये पूछा था कि अगला नंबर किसका, उन्होंने खुद नाम नहीं लिया था, और जनता ने एक तरफा आवाज दी थी योगी आदित्यनाथ। तो ये तो जनता को भी पता है, आम जन को पता है, और आप उसके बाद जिस तरह से बौखलाहट और जवाबदेही भाजपा की देख रहे हैं, उससे तो ये लग रहा है कि उस भाषण से ज्यादा खलबली भाजपा के अंदर शुरू हो चुकी है, भाजपा के अंदर शुरू हो चुकी है। क्या आपको नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल इस माहौल को भुनाना चाह रहे हैं या राजनीतिक लाभ लेना चाह रहे हैं लोकसभा चुनाव को देखते हुए? देखिए, ये चुनाव जनता जनार्दन का चुनाव है। केजरीवाल जी अंदर थे तब तक 3 चरण पूरे हो चुके, अभी केवल 4 चरण बाहर रहे हैं।
लेकिन अब तो भाजपा के लोग भी ये मानने लगे हैं कि भाजपा की वॉशिंग मशीन में बाहर के कपड़े क्यों धोए जा रहे हैं। अगर आदमी घर में भी वॉशिंग मशीन लाता है तो वो अपने कपड़े धोता है, पड़ोसियों के कपड़े आज तक किसी ने अपनी वॉशिंग मशीन में नहीं धोए होंगे। लेकिन भाजपा ने जिस तरह का काम शुरू किया और हर पार्टी के गंदे कपड़े उसने धोने शुरू करे, जिस तरह से निकल कर आ रहा है कि ईडी के अंदर जो 25 लोग बड़े भ्रष्टाचारी थे उन्होंने जैसे ही भाजपा ज्वाइन करी और उनमें से 21 और 23 लोगों को क्लीन चिट दे दी गई है, तो ये सारी चीजें अब भाजपा के अंदर से निकल रही हैं, उसके अंदर से फूट रही हैं और आम जन इसको देख रहा है, भाजपा ही खुद देख रहे हैं और अब तो ये सरासर सामने आ गया। पिछले 3-4 दिन से मोदी जी के भाषण देख लीजिए, उनकी रैलियां देख लीजिए, किस तरह से निरस्ता आ गई, उदासीनता आ गई उनमें। सर आप घोटाला हो जाता है, ईडी क्या संवैधानिक रूप से कार्य नहीं कर रही, आप बड़ी बात कर रहे हैं। वैसे मैं ये कह रहा हूं शराब घोटाला 2 साल से हुआ है, आज तक ईडी ने कोई एक पैसा लिया क्या? उसमें कहीं से कोई उनको रील मिली है क्या? कहीं से लीड मिली है क्या? एक पैसा सीध नहीं कर पाए। और जिस बात को खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो शराब घोटाले के गवाह के पास से 60 करोड़ के वहां गए हैं मोदी जी के पास, भाजपा के पास, उसके बारे में नहीं। आप एक ईडी की बात करें, 5 लाख करोड़ की नारकोटिक्स गायब हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते का टाइम दिया है सीबीआई को। क्या भाजपा के मुंह से निकला है कि 5 लाख करोड़ बेचकर किसके पास खाते में गए हैं? वो सभी को पता है कि वो 5 लाख करोड़ कहां गए हैं और किसके पास हैं। नए हिरासत में ले जाते हैं अरविंद केजरीवाल साहब को, जो है क्या आपको लगता है कि जो उनको जो कार्रवाई है वो संवैधानिक रूप से नहीं हुई है? असंवैधानिक कार्रवाई आप लोग मानते हैं इसको? देखिए मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, हिंदुस्तान कानून का राज है, ईडी पहले भी थी और भी बड़े बड़े कानून थे, लेकिन 2019 में जिस तरह से इसका मजमून और इसकी सजा बदली गई थी कि आप किसी को भी न्यायिक या किसी भी हिरासत में 3 साल तक रख सकते हैं, तो ये उसके पहले शिकार हुए हैं, चाहे वो सत्येंद्र जैन जी हों, चाहे मनीष सिसोदिया जी हों, संजय सिंह हों, अरविंद केजरीवाल हों, हेमंत सोरेन हों। लेकिन जैसे आपने देखा हेमंत सोरेन जी ने इस्तीफा दे दिया था, तो भाजपा ये चाहती है कि उनकी पिच पर आकर आदमी खेले और अपनी हार माने। लेकिन मैंने बताया ना आपको, अरविंद केजरीवाल जी न केवल इंजीनियर हैं बल्कि एक बहुत अच्छे प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन्होंने पिच ही बदल दी, उन्होंने बिल्कुल गेम को ही उल्टा कर दिया और जो भाजपा दिखाना चाह रही थी एक मजरूर मजलूम मखलूक, वो सारा उन्होंने पासा भाजपा के पाले में डाल दिया। अब भाजपा अपनी दयनीय स्थिति पर कोस रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि दिल्ली में जाए, दिल्ली सरकार में या अरविंद केजरीवाल सरकार ने बड़ा काम किया है, लेकिन जिस तरह से अपने नेताओं को जो है कई बार उन्होंने बाहर का रास्ता दिखाने का कार्य किया है, या यूं कहा जाए कि जो है उनके वोल्टेज कम करने का कार्य किया है, तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल जो दूसरी पार्टी पर जब आरोप लगाते हैं, नंबर वाइज नेताओं को गिनवाते हैं और यहां तक कहते हैं कि अगला नंबर किसका, क्या अपनी पार्टी में भी बता सकते हैं कि अगला नंबर किसका? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने तमाम बार जो है अपने नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाने का कार्य किया है, तो क्या कहना चाहेंगे योगेश दहिया जी इस बात पे? देखिए मैं तो इतनी बात जानता हूं, मैं खुद पार्टी का संस्थापक सदस्य हूं, मुझे कहीं ऐसा महसूस नहीं हुआ। ये तो लोगों की महत्वाकांक्षा होती है, ये तो लोगों का अहम होता है जिसमें वो पार्टी छोड़ के चले जाते हैं, या जैसे घर में बंटवारे शुरू हो जाते हैं या घर में से कोई घर छोड़ के चला जाता है, उस तरह के कार्य हुए हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने कभी किसी को हाथ पकड़ के वहां से बाहर नहीं निकाला। पार्टी आज एक राष्ट्रीय पार्टी बन गई है उसके बावजूद, ठीक है जी, और सभी पद बाकायदा भरे हुए हैं, सभी पदों पर वहां योग्य लोग हैं, कोई अरविंद केजरीवाल का भाई भतीजा या कोई रिश्तेदार उन्होंने पार्टी में नहीं भरा है। जिसकी भी योग्यता है, जो भी महत्वपूर्ण है, वो पार्टी में उसी पद पर काम कर रहा है। नहीं, मैंने परिवारवाद की बात नहीं की है, लेकिन जो जिस तरह कुमार विश्वास जो मंचों पर जाकर, हालांकि जो है वो जो है दूसरे मंच होते हैं, कवियों के मंच होते हैं, जिस तरह से जो है टोंट कसने का काम जो है हमेशा हमेशा जो है कुमार विश्वास करते हैं अपने नेता के लिए, जो आपकी पार्टी में रहे हैं, बड़े वरिष्ठ नेता रहे और तमाम आंदोलन में साथ में रहे, लेकिन जिस तरह की जो है वो पोल खोलते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि जो है आपकी पार्टी में, आम आदमी पार्टी में ऐसा कुछ होता है जैसे कल अरविंद केजरीवाल जी ने सामने लाने का कार्य किया बीजेपी के रूम में? मैं ये कह रहा हूं कुमार भाई के बारे में ही नहीं कह रहा हूं, सच्चाई स्वीकार करने में क्या दिक्कत आ रही है? मुझे कोई दिक्कत नहीं। आपने कपिल मिश्रा जी को देखा था, जब कपिल मिश्रा जी आम आदमी पार्टी में थे तो वो मोदी जी की पोल नहीं खोला करते थे, आपने देखा होगा। जब आम आदमी पार्टी से बीजेपी में गए
तो वहां पोल खोलने लग गए थे। कुछ दिन तक बौखलाहट दिखाई उन्होंने, अब जब उन्हें ना तो विधायक का टिकट मिला, ना पार्षद का मिला, ना सांसद का मिला, आज कपिल मिश्रा जी कहां है साहब? आज कहां चली गई उनकी वो सारी बौखलाहट? कुमार भाई जिस महत्वाकांक्षा से गए थे, जो बातें उन्होंने कही, जो चीजें उन्हें पता नहीं कैसे ये था कि ये तो मेरा हक हकूक है, वो नहीं मिली तो कुछ दिन वो भी ऐसे करें। हम बिन्नी का उदाहरण ले सकते हैं, हम 10 उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं ऐसा कोई चीज सहन नहीं करूंगा, चाहे पार्टी हो या कुछ हो, किसी तरह का हमने, चाहे प्रशांत भूषण जी हैं, चाहे कुमार भाई हैं, चाहे योगेंद्र यादव जी हैं, चाहे आपके प्रोफेसर आनंद कुमार थे, अजीत जी थे, और बहुत लोग थे ऐसे जो पार्टी छोड़कर गए हैं। मैं नहीं कहता साजिया इल्मी चली गई, वो चले गए, लेकिन वो जहां गए हैं, वहां किस मुकाम से गए थे या किस कारण से गए थे, आज कहां है वो बेहतर अपना जानते हैं। साधना तो आपकी बड़ी है, लंबे समय से आप तपस्या कर रहे हैं, क्या आपको प्रतिफल जो अरविंद केजरीवाल जी ने देने का कार्य किया है जिसके आप जो लायक है? देखिए मैं एक बात कह रहा हूं, अरविंद केजरीवाल जी कहीं स्केल नहीं है, स्केल केवल विचार है। जो पार्टी का आपकी अवधारणा है, जब तक आप उससे जुड़े हैं आप उसमें रहेंगे। केजरीवाल जी ना तो किसी को देते हैं ना किसी से लेते हैं। मुझे 2 बार टिकट मिला, मुझे जनता ने जैसा फल दिया मैंने स्वीकार किया। इस बार पार्टी नहीं लड़ रही थी, पार्टी केवल 23 स्थानों पर लड़ रही है, तो वो मैंने स्वीकार किया। इसके बाद आगे चूंकि हम राजनीतिक परिवार में हैं, राजनीतिक दल में हैं, चाहे विधायक का हो या सांसद का हो, जो भी इलेक्शन आएगा हम उसमें लड़ेंगे, पार्टी से टिकट मांगेंगे, पार्टी देगी तो जरूर उसे स्वीकार किया जाएगा। और हम पूरी मेहनत से लगे हुए हैं, पूरी लगन से लगे हुए हैं, क्योंकि देश को एक सशक्त देश बनाना है, जो भी आप कहें नंबर 1 बनाना है, देशभक्ति दिखानी है, वो सारे काम हम लोगों को करने हैं। उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी की हालत कैसे देखते हैं आने वाले समय में? क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जो पार्टी कहने के स्टेबिलिटी हो पाएगी, जो आप चाहते हैं, क्या वो पार्टी यहाँ पे उभर के सामने आने की आपको संभावना लगती है? देखिए लोकसभा चुनाव में बहुत कुछ बदलने जा रहा है, 4 जून आपके और मेरे सामने है, मात्र 18-19 दिन रह गए हैं। इसके बाद आप अंदाजा कर लीजिए, सबसे पहला चुनाव पड़ोसी राज्य हरियाणा में है, विधानसभा में, वहां भयंकर, मैं चूंकि आपके बराबर में कुलक्षेत्र में देख रहा हूं, तो कुलक्षेत्र के पास आप चाहे सोनीपत चले जाएं, चाहे और चले जाएं, एक एक विधानसभा पे अब 3-3 और 4-4 दावेदार तैयार हो रहे हैं आम आदमी पार्टी से टिकट लेने के लिए। तो जिस दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एक साथ लाइन में आ गए, आप सोचते हैं क्या उत्तर प्रदेश पीछे रहेगा? उत्तर प्रदेश के लोग उनसे बहुत ज्यादा लायक हैं। उत्तर प्रदेश हमेशा प्रधानमंत्री तक को देने की काबिलियत रखता है, उत्तर प्रदेश पूरे देश की राजनीति बदलता है। और अभी आपने देखा बीच में कितनी तेजी से राजनीतिक परिदृश्य बदल रहा है, और जनता सबक सिखाने को तैयार है, तो जनता जनार्दन है, जनता बहुत कुछ बदलेगी। इसी जनता में से संगठन खड़ा होगा, इसी जनता में से कैडर खड़ा होगा, और उत्तर प्रदेश की राजनीति वाकई अगले 2-3 साल के अंदर बहुत बुरी तरह से बदलेगी। अब की बार 80 पार कैसे देखते हैं? देखिए वो 400 पार वाला भी कहानी खत्म हो गई, 80 पार वाली मैं नहीं कह रहा हूं, खुद भाजपा के कई वरिष्ठ नेता अब तो 50 से भी नीचे की बात करने लग गए। आप लोगों के मीडिया के आंकड़े हैं, कोई 60 तक ले जा रहा है, कोई कह रहा 44 और 40 पे सिमट जाएगा, कोई 50 पे है। देखिए 4 जून ज्यादा दूर नहीं, और अगले 4 चरण हैं, और चारों चरण अगले ऐसी जगहों पर हैं जहां भाजपा को स्टैंड करना बहुत भारी पड़ रहा है। दूसरे चरण के बाद जब मोदी ने कहना बंद कर दिया कि या इस बार 400 बार, तो क्या कहना चाहेंगे अयोग्य? मैं फिर वही कह रहा हूं कि अब की बार विपक्ष नहीं लड़ रहा, अब की बार तो जनता लड़ रही है, और जो उदासीनता है वो सबसे ज्यादा भाजपा के अंदर है। भाजपा का कैडर और भाजपा का संगठन बिल्कुल घर बैठ गया है, उसी जो मैंने आपको बात बताई थी वॉशिंग मशीन के प्रकरण के कारण। नहीं, वोट परसेंटेज जो कम आ रहा है, या यूं कहा जाए हिंदू विशेष रूप से जो है पोलिंग करने नहीं जा रहा है, उसको कैसे देखते, क्या कहने चाहिए? मैं वही कह रहा हूं कि जब आपका कैडर, आपका संगठन, आपके खुद के लोग, पन्ना प्रमुख और जो जो भी आप कहें, आपके विधायकों के बूथ पर जो है 40 और 50% पोलिंग हो रही है, आपके पदाधिकारियों के बूथ पर यह हाल है, तो इसे कैसे लेंगे आप? इसका मतलब तो आप ही के घर में सबसे ज्यादा उदासीनता चल रही है। मंगल सूत्र की बात कर रहे हैं मोदी जी, बात कर रहे हैं मुस्लिम की, बात कर रहे हैं जय संपत्ति की, तो इस सब जो उनके जो बदलाव आया है, उनके भाषणों में बदलाव आया, तमाम वो चीजें जो अब नहीं रही हैं देश की, विकसित भारत की,
विश्व गुरु की तमाम वो बातें होती थी, लेकिन वो बातें जो तो ट्रेड दूसरे चरण के बाद में मोदी जी का बदला है, उस ट्रेड को आप कैसे देखते हैं? विपक्ष के बड़े नेता आम आदमी पार्टी से आप वास्ता रखते कैसे देखते हैं? क्योंकि जो चरण बदले हैं तो मोदी जी की जो भाषा भी बदली है, इस भाषा को कैसे देखिए? मैं आपको दो तीन चीजों पर लाऊंगा। जब किसान चैनल चलाया था तो किसान की आय दुगनी हो रही थी, सारे काम हो रहे थे। आज कहीं कोई किसान चैनल का नाम लेने वाला नहीं बचा। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति अहमदाबाद में लगाई गई थी तो यह कहा गया था कि विश्व का सबसे बड़ा पर्यटन स्थल यह बनेगा, वो बनेगा। लेकिन बनने के बाद उसकी क्या दुर्दशा इन लोगों ने की, कितना वो चाइना का माल खराब निकला, किस तरह उसमें पानी भरने लगा, वो सारी चीज है, वो किस स्थिति में आज है वो सबको पता है। राम मंदिर के नाम पे इन्होंने ये सोचा था कि बहुत बड़ा एक कारनामा यहां होने जा रहा है, धर्म के नाम की अफीम जो है वो चलेगी। लेकिन राम मंदिर बनने के बाद मैं आपको आज की सच्चाई बता दूं, जो जहाज के किराए 8,000 और 10,000 थे, उन फ्लाइटों ने अब 4,000 और 5,000 में यात्री ढोने शुरू कर दिए। जिन कमरों का किराया वहां 3,000-3,000 था, आज वो बाट जो रहे हैं कि कोई 1,000 रुपए में भी आके ठहर जाए। जो थालियां वहां 500 रुपए की खाने की मिल रही थी, अब वो 150-100 रुपए पे मिल रही है। इसका मतलब क्या है? वहां पर भी राम मंदिर का इनका जो भ्रम था वो टूट चुका है। हर आदमी आज अपने बच्चे की नौकरी के लिए है, अपने कारोबार के लिए है, इस महंगाई को देख रहा है, सब कुछ चाहता है, पढ़ाई चाहता है, दवाई चाहता है, बिजली चाहता है, सुरक्षा चाहता है, सब चीजें हैं, वो मुद्दे गायब हैं। और सबसे आखिर में जो आपने बात कही, जुआरी भी सबसे आखिरी दांव मंगल सूत्र पे खेलता है, उससे पहले सब चीजों को बाट लगा देता है, लेकिन मंगल सूत्र आखिरी दांव होता है। क्या भाजपा के काम नहीं आ रहे भगवान राम? मैं ये नहीं कह रहा, भगवान राम तो सबके हैं, भाजपा के कहीं अलग से बैठे हुए थे भाई। चाहे बोध हो, चाहे आपके अंबेडकर जी हो, चाहे आपके विष्णु जी हो, चाहे आपके महेश हो, चाहे कृष्ण जी हो, वो किसी एक पार्टी के ब्रांड नहीं है, वो किसी के गॉडफादर नहीं है, धर्म तो सभी का बराबर है। अलीगुज जब चुनाव चल रहा है, चुनाव चरम पर है, तो जो उस समय जेल में डाला जाता है, क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी के लोकसभा का चुनाव जो प्रभावित करने का कार्य किया जा रहा है या प्रभावित हो चुका है चुनाव, कैसे देखते हैं? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये बात तो सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछी कि भाई आपने ये समय क्यों चुना। जैसे ही चुनाव आया, ये प्रकरण 2 साल से चल रहा है, आप इन्हें 9-10 नोटिस दे चुके थे। अगर आपको पता था कि गिरफ्तारी की जा सकती थी तो पहले NBW पे कर लेते, पहले नोटिस पे उठा लाते, दूसरे पे उठा लाते, तीसरे पे उठा लाते। ये जो खेल केवल इलेक्शन तक लाना था, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट अडामेंट था। सुप्रीम कोर्ट ने पहले दिन कह दिया था कि 5 साल में चुनाव आते हैं, इसलिए मैं इनको अंतरिम बेल दूंगा। वो 2 दिन 4 दिन कभी चार्जशीट के नाम पे, कभी किसी नाम पे टाली जाती रही और 3 चरण पूरे हो गए, कोई बात नहीं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये सब चीजें दोयम है, जनता जनार्दन है। जनता ने 10 साल तक इंतजार किया कि किसी तरह से कहीं कोई विकास नाम की चीज दिखाई दे जाए। उन्हें ना आदर्श गांव दिखाई दिए, ना उन्हें स्मार्ट सिटी दिखाई दी, ना उन्हें रोजगार दिखाई दिया, ना उन्हें अग्निवीर में कुछ निकल के बाहर आया, ना उन्हें GST में कुछ निकल के बाहर आया। अब तो लोगों को यह लगने लगा कि देशभक्ति भी झूठी है। देश का अगला प्रधानमंत्री कौन? देखिए हालत तो वही है जो कल अरविंद केजरीवाल जी ने कही है, जनता जिसे चुनेगी चुनेगी, ये 4 जून की कोख में रखा है। पूरे पूरे चांस है कि इंडिया गठबंधन की सरकार आने जा रही है। इंडिया गठबंधन की सरकार आने जा रही है, लेकिन जय चेहरा कौन होगा दोबारा? मैं वही कह रहा हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है, हम लोग सीधा सीधा कह रहे हैं। आप 18 दिन इंतजार कीजिए और जनता है वो दिखा देगी। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि हम 5 साल की गारंटी कर रहे हैं और 25 साल की गारंटी कर रहे हैं, क्योंकि गारंटी तो 77 के बाद जनता दल की नहीं रही थी, 3 साल में टूट के खत्म हो गया था। तो अगर उस तरह के महत्वाकांक्षाएं या कुछ चीजें निकल के आएंगी तो जनता फिर हटा देगी, सरकार अपने आप गिर जाएगी। और अगर लोगों ने एक अच्छा मजबूत चीज दी है और अच्छी तरह से लोगों ने समझदारी का काम किया है तो देश तरक्की करेगा।
तमाम बड़ी बातें की हैं इन्होंने जो है, और जो है ये भी कहा है कि कह रहे हैं कि जो अगला जो सरकार आएगी वो जो गठबंधन की सरकार होगी तमाम। और अरविंद केजरीवाल जी के बारे में बात इन्होंने कही है कि जो जिस तरह के जो है लाभ लेने का प्रयास जो है भाजपा ने किया है, इस समय जो है जेल में डलवाकर, और भी कुछ बातें इन्होंने कही कि जो अगले जनता देख रही है, जनता जो है इस चुनाव में जो है बड़ा बदलाव चाह रही है, कैसा बदलाव होगा देखने वाली बात होगी। बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए तमाम मुद्दों पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया योगेश दहिया जी, धन्यवाद। जीडी न्यूज की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज चैनल को, और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।